नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र चोपड़ा। आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। राजस्थान की सियासत का ऊंट इस बार किस करवट बैठेगा, कहना आसान नहीं। सत्ता का सिरमौर कौन बनेगा, इसे लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच राजस्थान की राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले चंद्र राज सिंघी ने हमारे एडिटर इन चीफ विजय वर्मा से खास बातचीत की है। आइए जानते हैं इस बातचीत का क्या मजमून रहा हमारे इस रिपोर्ट में। राजस्थान की सियासत के समीकरण कहीं न कहीं इन दिनों अनसुलझे नजर आते हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दबे मुंह आला कमान से नाराजगी जताते हुए शक्ति प्रदर्शन करती नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी जनकल्याणकारी योजनाओं के दम पर फिर से सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री चंद्रराज सिंघवी जी, जो इन दिनों शिवसेना के प्रभारी भी हैं। उनसे जानते हैं क्या मजमून है राजस्थान की सियासत का। जी, आपने कहा कि वसुंधरा के नाराजगी के सामने अशोक गहलोत जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा से लाभ उठाना चाहते हैं। आप क्षमा करें, अशोक गहलोत का इतिश्री हो चुका, वो तो अब जाते जाते गीत गुनगुनाते जाएंगे कि बड़े वे आबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मिस्टर गहलोत, यू आर नॉट गोइंग टू गेट मोर देन 40 सीट, 40 से 41 सीट तुम्हारी नहीं आएगी। कौन सी योजनाएं बना रहे हो? सरकारी पैसा, सरकारी धन, सरकारी ताकत, सरकारी योजना, सरकारी प्रेस, सरकारी विज्ञप्ति, सब में अपना फोटो देते हो। सुबह उठती अखबार में तुम्हारा चित्र दिखता है, बात आते बिजली के थम्बे पर तुम लड़ते हुए नजर आते हो। जहाँ तक वसुंधरा की नाराजगी का सवाल है, वो घर की नाराजगी है, इसका लाभ उठाने की कल्पना मत करना। वसुंधरा के रग में, कण कण में राजमाता विजय राजे सिंधिया का खून है। वह कितने भी नाराज हो, पार्टी का नुकसान नहीं पहुँचाएगी। बीच बीच में हुआ था एक बार, वो पार्टी की नहीं, पार्टी के गुटबंदी के कारण उन्होंने हस्तक्षेप किया था। पूरी पार्टी की प्रतिष्ठा होती तो करती नहीं। मैं वसुंधरा जी को जानता हूँ, मेरी राखी बांध बहन है, दुनिया को पता है मैं उनका पॉलिटिकल एडवाइजर था, उन्होंने मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया था। मैं इन सबको एक तरफ धरकर ये कहना चाहता हूँ कि आप अशोक गहलोत की ये जन कल्याणकारी योजनाएं हैं या मन कल्याणकारी योजनाएं, धन का वेस्टेज है। कितने बना दिए जिले, 40 मिनट पे दूदू, 40 मिनट में मालपुरा और 40 मिनट पर टॉक। इज इट गवर्नमेंट? ये सरकार है, ये सर्कस है, ये जो कोई अड्डा बना दिया गया लोग ने। लेकिन कांग्रेस ही कह रहे हैं कि वो जादूगर हैं, कई सालों से जिलों की मांग चल रही थी प्रदेश में और उन्होंने एक साथ इतने सारे जिले और संभाग दे दिए। क्या बात है, कौन से जादूगर हैं? तुम जादूगर हो, हमारी तुम्हारी 40 साल की दुश्मनी है। मैं कट्टर विरोधी हूँ गहलोत का, खुला बोलता हूँ विरोधी हूँ, मगर एक बात बताओ, 10 साल तो भैरू सिंह जी रहे तब ये कुछ नहीं था, 10 साल हरदेव जी रहे, 10 साल वसुंधरा रही, 30 साल तो तुम माइनस रहे हो। अब ये आ गया एक बार पैसे का दम्भ, सोनिया का लालच, कांग्रेस की गिरती हुई स्थिति, गवर्नर की गिरती हुई प्रतिष्ठा, इसके दौरान में 1998 में तुम इसलिए बन गए कि नवल किशोर हरदेव जी और चंदनमल बैद सब लोग नहीं चाहते ये परशुराम बने, इसलिए तुमको बना दिया। 2003 में मैंने गुड बाई गहलोत करके तुमको हटा दिया, मैंने कहा था गुड बाई गहलोत, बीजेपी 120 आई और आई। भैरू सिंह जी ने मुझे फ़ोन किया, मैं 90 से ज़्यादा नहीं लाया हूँ, तुम 120 कहाँ से लाओगे? मैं कहा यू आर नॉट हेलमार्क एन अथॉरिटी भैरू सिंह जी, और 120 आई। उसके बाद में एक वोट से सीपी आ गया। सियासत का चाणक्य कहा जाता है, जोधपुर जिले से आप आते हो, अशोक गहलोत जी भी जोधपुर से आते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ शुचिता, राजनीतिक शुचिता के जरिए कोई सलाह ली आपसे, कोई बातचीत हुई? गहलोत से प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इस बार मेरी बेवकूफ़ी हो गई, चुनाव के 15 दिन पहले अहमद पटेल, मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला, राजेश यहाँ आ गए और मुझसे वादा ले गए कि 5-6 सीट जो उन्होंने बताई, मुझे बोली ये सीट हम जीतना चाहते हैं, मैं ओके डू इट, अगर उस दिन वो नहीं आते तो सरकार नहीं बनती, इस कमरे में बनी वो सरकार। और 2013 में तो इसका नाम ही नहीं था, 20 सीट पर ही लुट गया। अशोक गहलोत कोई जादूगर नहीं है, अशोक गहलोत के पास में एक कला है, वो पैसे और उद्योगपतियों की मदद से अखबार के अंदर प्रचार करके, अखबार प्रचार का मास्टर है, 2-2, 3-3 लाख पेज के विज्ञापन देता है, सब पत्रकारों को भ्रष्ट बना दिया, लेखनी को भ्रष्ट कर दिया, पत्रकारों के दिमाग को भ्रष्ट कर दिया। ये जो भ्रष्टाचार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के चेयरमैन है अशोक गहलोत, किसकी बात करते हो आप? वसुंधरा का झगड़ा अगर मोदी से है, पार्टी में है,
मैं उस पार्टी का वेल विशर मेंबर नहीं हूँ, मगर मैं एनडीए घटक का एक पार्ट हूँ। एनडीए का सबसे बड़ा घटक बीजेपी है, दूसरा घटक मेरी पार्टी है। और मुझे एकनाथ शिंदे ने पहले ही कहा था कि समान पार्टी वाले लोगों से एक मित्रता रखते हुए आप जो चाहो करो, मैं मित्रता निभा रहा हूँ। हर भाषण के अंदर मैं शिवसेना में सत्ता के लिए गया ही नहीं, मैं इसलिए गया कि मुझे हिंदुत्व, राष्ट्रभाव, मोदी की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, सेना का सम्मान, सेना की जीत, मोदी ने जो किया वो, उसके कल्याणकारी कार्य, उसकी देशभक्ति, उसका सनातन प्रेम, उसकी देशभक्ति और संघ का समर्थन, इन सब के लिए मुझे मंच की जरूरत थी। तो राजस्थान में क्या भाजपा मोदी के फेस पे ही चुनाव लड़ेगी या फिर प्रदेश में कोई फेस जो है डिक्लेयर किया जाएगा? कोई जरूरत नहीं है डिक्लेयर करने की, यह चुनाव भाजपा जीत नहीं रही है, कांग्रेस हार रही है। वह बुरी तरीके से कांग्रेस हार रही है। कल फलौदी के सेक्टर से भाव पूछे हैं मैंने, 116 सीट पर बीजेपी और 58 सीट पर कांग्रेस बताई है। इसमें अभी जो हम जो करेंगे खेल, मेरा अपना खेल अलग होता है, 25-30 सीटों पर वो मार करता है तो ये तो 40 के नीचे आएंगे। गहलोत साहब, यू आर नॉट गोइंग टू क्रॉस 37 सीट, दिस इज माई चैलेंज एंड माई डिक्लेरेशन। मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुई है। श्रीमान जी, आप 37 पर लुढ़क जाओगे? मतलब ओवर कॉन्फिडेंट है इस बार जो विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस? कांग्रेस तो है ही नहीं, क्या कॉन्फिडेंस। आज से 2 साल पहले मैंने कहा था कि आगामी चुनाव के अंदर मुझे एक टेलीस्कोप और एक माइक्रोस्कोप खरीदना पड़ेगा, ये चैनल में आया था। आज मुझे उसकी जरूरत पड़ रही है कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस ढूंढने के लिए तो मेरे पास वो नहीं होगा और दूरी नापने के लिए टेलीस्कोप नहीं होगा। इस दुर्गति है कांग्रेस की, इज नो कांग्रेस। कांग्रेस का हर आदमी अपने आप के अंदर एक जोकर की तरह एक्ट कर रहा है। ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट का करेक्टर या पीसीसी प्रेसिडेंट ऐसे हुआ करते थे? जिस कांग्रेस के प्रेसिडेंट नाथुराम मिर्जा हरदेव जोशी थे, वो कहाँ इस तरह करके गिर गया है, पूर्ण डेसिमल के बराबर आई है कांग्रेस। कांग्रेस की 37 सीट भी आएगी तो इसलिए आएगी कि कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता कट्टर हैं, वे कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। बाकी इस 30 सीट की भी आज की कांग्रेस हकदार नहीं है। बार बार घोषणाएं करते हैं, घोषणाओं से होता है क्या? जनता भिखारी है जो भीख का टोकरा लेके बैठी है। अच्छा, वसुंधरा राजे के लिए कह रहे हैं आपकी वो घर की लड़ाई है, तो फिर जो परिवर्तन यात्रा में उनकी नज़रअंदाजी कहीं ना कहीं उनको खली नहीं? कोई जरूरी है कि हमें समर्थन दिया जाए? खली तो खली, बस क्या ये मतलब तो नहीं विद्रोह कर देंगे? आई नो वसुंधरा जी मोर देन एनीबडी इन राजस्थान। वसुंधरा जी ऐसी कोई गलती करने वाली नहीं है। हाँ, कुछ बड़े नेताओं की उससे नाराजगी है। मैं सदा कहता रहा हूँ कि वसुंधरा जी का ये कर्तव्य है, वसुंधरा की ड्यूटी है ये कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आशीर्वाद प्राप्त करें, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये ड्यूटी है कि वो वसुंधरा के गुणों का और उसके संपर्कों का उपयोग करें। दोनों ही नहीं कर रहे हैं तो गलती किसकी कही जाएगी? कोई गलती नहीं है। ये सिचुएशन है, ये वातावरण है, ये हालात है, ये डेवलपमेंट हुई है, इसका कारण है। हो सकता है चुनाव आते आते मिट जाइए, और नहीं तो आप क्या समझते हो, अगर इतनी नाराजगी होती तो देवी सिंह जी कैसे जाते? प्रहलाद गुंजर को मत क्यों मिलने वाला है? ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अंतर है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, पर यह दुर्भाग्य है। हर चीज़ का आदमी के सौभाग्य की होती है तो एक आध दुर्भाग्य की बात भी होती है। शिवसेना के प्रभारी हैं आप, तो क्या भूमिका रहेगी इस विधानसभा चुनाव में आपकी? हम तो ये हमारी भूमिका साफ है, आप मेरा नियुक्ति पत्र पढ़ लो, उसमें स्पष्ट लिखा है समान विचार वाली समान समुदाय के साथ सहयोग करना हम कर रहे हैं। हम सीट के नंबर पर नहीं जाते, सरकार हमारी मदद से बनेगी। शिवसेना का मंच भारतीय जनता पार्टी को ताकत देगा, और मैं मेरे मंच के हर शब्द और सेंटेंस में भारतीय जनता पार्टी की जीत की आकांक्षा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, पार्टी की हमारी जीत ना हो पर हमारे सिद्धांतों की जीत तो है। हमारा वही सिद्धांत है जो भाजपा का सिद्धांत है, सिद्धांतों की एकता में सिद्धांत की जीत पार्टी की जीत से बड़ी होती है। बाला साहब के सपनों की जीत होगी, एकनाथ शिंदे के सपने की जीत होगी, और मैं आपसे बताऊं, एकनाथ शिंदे का नरेंद्र मोदी में अटूट विश्वास है, मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूं, मेरे सामने बात हुई है। नरेंद्र मोदी आज एनडीए की एकता किसके कारण है? एकनाथ शिंदे नरेंद्र मोदी की ताकत के कारण है। ये इंडिया तो टूट फाट जाएगा, इंडिया के बारे में तो आप पूछ रहे मत, मैं जानता हूं इंडिया की क्या हालत है, उस बारात की तरह की हालत है जिसमें 6 दूल्हे एक साथ जाते हैं, और जब मंदिर पर लड़की के घर पहुंच जाते हैं तब झगड़ा होता है कौन दूल्हा बढ़ेगा,
और आराम से कट कट के मर जाते हैं, और एनडीए का दूल्हा एक है नरेंद्र मोदी। ये बारात जाएगी, दुल्हन लेके आएगी, वो बारात जाएगी तो कटकट आ जाएगी। इसलिए नरेंद्र मोदी का नेतृत्व देश का नेतृत्व है, देश का गर्व है, देश का सर्वांगीण गर्व है, अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व है। उसका चेहरा आने के बाद और चेहरे की क्या जरूरत है, आप बताइए मुझे, किसी चेहरे की जरूरत नहीं है। एक चेहरा बहुत है, उसके कारण जीत होगी, भाजपा 120 से आसपास ज़्यादा सीट लाएगी और कांग्रेस 30-35 सीट पर लुढ़क जाएगी। तब लोग कहेंगे कि पैसा किया बर्बाद, नहीं हुए आबाद, ये हालत हो जाएगी। ये बार बार सिर से उठता हूँ, उड़ते ही उड़ते अखबार के फ्रंट पेज पर एक ही एक चौकता दिखता है। पैसा किसका है? जनता का पैसा, जनता को भ्रष्ट कर दिया तुमने। जगह जगह अपना प्रचार करते हो, क्या बाकी मंत्री मर गए? राहुल गांधी का क्यों नहीं आता चित्र, आता क्यों नहीं है? डोटासा का क्यों नहीं आता? एक ही एक चेहरा दिखता है, एज इफ यू हैज एवरीथिंग। मगर ये बहुत दुर्भाग्य है। मैं तो कहता हूँ कि इतना पैसा जो बर्बाद किया गया है, काश ये पैसा चंद अपने प्रचार के लिए न करके और जनता के हित के लिए किया जाता, जनता को सुझाव के लिए किया जाता, जनता के विचारों को बढ़ाने के लिए किया जाता, जनता की परिपक्वता के लिए किया जाता, जनता को खुश कर, कुछ नहीं, जितनी बर्बादी हो चुकी हो गई। इसलिए मैंने कह दिया, आज मैं नारा दे रहा हूँ आपको, जिस दिन 9 तारीख को आचार संहिता लगेगी उस दिन कहूँगा, मैं आपको एक दिन पहले कह रहा हूँ, दुष्ट राज्य का हो गया अंत, अब राज करेंगे संत। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो इस बार का राजस्थान विधानसभा चुनाव है वो काफ़ी रोचक होने जा रहा है, जैसा कि सिंघवी जी बता रहे हैं। और अभी चुनाव में करीब 1.5 माह शेष है, लेकिन उससे पहले उसका जो समीकरण है अपने स्तर पर उन्होंने बता दिया है, और जो जो अंदेशा जो लगाया जा रहा था आंकड़ों का, वो आंकड़े का आंकड़ा अगर देखा जाए सिंघवी जी की माने तो बहुत चौंकाने वाला नज़र आता है। बहरहाल कैमरामैन अंशुल के साथ विजय वर्मा, जनता दरबार न्यूज़ के।